हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और ये हो रही है आज ओवन की सफाई। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, इतने दिन से हम लोग बाहर के काम में लगे हुए थे, बाहर भी सफाई करने के लिए बहुत कुछ हो जा रहा है, तो अंदर इतना ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो आज मैं ओवन में कुछ गरम कर रही थी सब्जी, तो तब देखा मैंने कि ओवन में तो ये पॉपकॉर्न भुने थे, तो पॉपकॉर्न भी गिरे हुए हैं, और जो पॉपकॉर्न का वो होता है ना, बटर होता है, वो बटर भी चारों तरफ से चिपक गया था ओवन में। तो फिर ये साफ किया मैंने आज। अब होता यह है कि अगर आप एक तरफ ध्यान लगाओगे ना, तो दूसरी तरफ फिर नुकसान हो जाता है। तो अभी इतने दिन से बाहर ही बिजी थे, बाहर की साफ सफाई में लगे हुए थे, और अंदर इतना डीप ध्यान गया ही नहीं, तो इस वजह से ऐसा हो गया है। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है ना, उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। अगर आप केयर नहीं करोगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और ख़ासकर जैसे ये फ्रिज है, ओवन है, तो इनका ना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ से भी जुड़े होते हैं हम लोगों के, क्योंकि हम देखो माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, तो अगर इसमें वायरस, बैक्टीरिया ये सब हो जाएंगे गंदगी से, तो फिर वो हमारे खाने में भी आएंगे, और हम उस खाने को खाएंगे तो बीमार सकते हैं। ऐसे फ्रिज के साथ भी होता है, अगर फ्रिज में हम इतनी सारी चीजें रखते हैं, साफ ना करें तो फ्रिज में भी फंगस लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा फ्रिज का जो डोर होता है, उसमें जो रबड़ की वो पाइप जैसी लगी होती है ना, जिससे फ्रिज का डोर बंद होता है, तो उसमें देखना आप लोग, कभी अगर आप उसे प्रॉपर क्लीन नहीं करोगे तो उसमें फंगस लग जाती है बहुत सारी, खासकर बरसात के मौसम में ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमेशा फ्रिज को और इन सब चीज़ों को ना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब मुझे भी आज देखा मैंने, तो आज मुझे भी लगा कि हाँ, ये हफ्ते में ना एक दो दिन साफ कर लेने चाहिए, चाहे गंदे हो या ना हो, इनको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओवन अंदर से साफ हो गया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है ये साफ, नींबू का रस बोलते हैं और सिरका, ये सब बोलते हैं, लेकिन मैंने इसी कपड़े से कर दिया था तो इजिली साफ हो गया था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो मैं कई दिन से स्विचेस भी देख रही थी, वो भी बहुत ही काले हो रखे थे। मैं सोच रही थी कि मैं इन्हें क्लीन करूं, तो आज मैं इन्हें क्लीन कर रही हूं। तो ये मैंने कोलगेट ले रखा है, और कोलगेट बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा सा हो रखा था, लग नहीं रहा था ब्रश में, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है। तो अभी देखिए स्विचेस कितने गंदे हो रहे हैं, बिल्कुल इनमें काला जमा हुआ है। तो अब ये जो मैंने ये पेस्ट बनाया है ना कोलगेट का, वो लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मैं, और 15 मिनट बाद साफ करके बताती हूँ मैं आपको कि ये सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा।
तो चलिए करते हैं फिर इसे साफ। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है गीला करके और साफ कर रही हूँ मैं, तो इजीली साफ भी हो जा रहा है और साफ हो बहुत अच्छे से साफ हुआ है इसे। तो देखिए आप चमक गए ना भी ये स्विचेस। तो अगर आप लोगों के घर में भी इस तरीके से काले हो रहे हैं स्विचेस, तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हो, या फिर स्प्रिट मिलता है ना केमिस्ट्री शॉप्स में, उसे यूज़ करके भी आप इन स्विचेस को साफ कर सकते हो। तो ये चाय छानने की छन्नी है, आप देख सकते हो कितनी काली हो रही है, इसमें चाय पत्तियां जम जाती हैं। और मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ इसे भी साफ़ करने की, तो सोचा जब और चीज़ें भी साफ़ हो रही हैं तो इसको भी आज साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने गैस की फ्लेम में इसको गर्म करने के लिए रखा, तो फिर देखती हूँ मैं कि अगर ये होता है साफ़ कि नहीं होता है। तो देखिए कि इस छन्नी ने अलग से जो आग पकड़ी है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत कुछ जमा हुआ था। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसको धो के कि साफ़ हुई भी है कि नहीं हुई है। तो एकदम से जो गर्म छन्नी है उसके ऊपर आप पानी मत डालिएगा, हो सकता है कि टूट जाए छन्नी, तो पहले ठंडी कर लीजिएगा, फिर जो स्टील वाला जूना होता है ना उसे धोना। तो ये देखिए मैंने धो ली है ये छन्नी, तो बिल्कुल साफ़ हो गई है ये छन्नी। बस इसमें थोड़ा सा ये ऊपर जो पीलापन आ गया है, बस वही इसका एक डिसएडवांटेज हुआ है, बाकी सारा कुछ अच्छा है, अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गई है ये। तो आप लोगों के घर में भी अगर छन्नी इस टाइप से हुई है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज लंच में मैं पुलाव बना रही हूँ, बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो पुलाव ही बना देती हूँ, तो आज बन रहा है पुलाव। चावल मैंने भिगाने के लिए रख दिए हैं, तो वैसे पुलाव भी बन के रेडी हो गया है मेरा। पुलाव की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, मैंने पहले भी बताई थी आपको एक व्लॉग में। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए